रहमतुल्लाह, और आपका फिर से खैर मकदम है अलहमद वखाने में। मैं हकीम और मोहम्मद दिलशाद माशाल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर तो आफ़ियत से होंगे, और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आप हमारी वीडियो को माशाल्लाह देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल दबाते हैं। आपके सामने बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, हर मर्ज़ के लिए हमने वीडियो डाल रखी हैं। कोई भी ऐसा मौजू, कोई ऐसा उनवान नहीं कि जो एक ही मौजू पे, एक ही उनवान पे बोला जाए और एक ही बीमारी को लेकर बैठा जाए। वो सारी बीमारियों के मुतालिक आपकी खिदमत में हम नुस्खे, वीडियो, उपाय, घरेलू उपाय वगैरह वगैरह हम भेजते रहते हैं। तो आज भी हम थोड़ा हट कर ये नुस्खा लेकर हाज़िर हुए उन नौजवानों के लिए कि जिन्होंने हस्त मथुन किया है, हैंड प्रैक्टिस की है, अपने हाथों को इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है और अपने पेनिस की नसों को बेकार कर लिया। बहुत सारे लोग सवालात उठाते रहते हैं कि हकीम साहब भाई, आपको एक ही मौजू, एक ही उनवान मिल गया। मेरे भाई, वक्त होता है, टाइम होता है, आज के दौर में यही ज़्यादा बीमारी बन चुकी है हमारी ज़हनियत ख़राब होने की बिना पर, गुनाहों से ना बचने की बिना पर, समझ गए। अगर हम गुनाहों से बचेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी महफूज रहेंगे और आप भी हमसे कोई कॉल पे वगैरह वगैरह बात नहीं करके बतलाएँगे और हम भी इस तरीके की वीडियो आप तक नहीं भेजेंगे। लेकिन बस भाई, बीमारी है तो इंसान कांटेक्ट करता है, बतलाता है, सारी परेशानी अपनी बतलाता है, तो हम मजबूर हैं वीडियो बनाने पे। लेकिन इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं, आप अपना खुला खुल्लम खुल्ला मर्ज बतलाएं। जो परेशानी जिसे होती है वही समझ सकता है, जिसे नहीं होती वो तो फजूल बातें करेगा ही। भाई ये कोई ऐसा मर्ज नहीं होता है, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है भाई। आप पे अगर बीत रही तो आप ही जान सकते हो, दूसरा तो हंसेगा कि अरे यार कोई बीमारी थोड़ी नहीं होती है, समझ गए। ऐसा कुछ नहीं, अगर आपके अंदर बीमारी है तो आप बतलाएं, खुल्लम खुल्ला बतलाएं, बात करें और अपना मर्ज बतलाएं, उसका इलाज करें, उसका उपाय तलाश करें, समझ गए। तो हस्त मथुन करने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त घरेलू उपाय घर में ही आप बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले करना ये है, आपको लेना है जैतून का तेल 40 ग्राम। दूसरी चीज़ इसमें मिलानी है आपको 5 ग्राम गुले सुरख, जो गुलाब के फूल होते हैं, गुले सुरख 5 ग्राम मिलाना है। तीसरी चीज़ आपको लहसुन के 2 दाने लेने हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों को आप इसमें मिक्स करके इसे पका लेंगे और 40 से आपका 20 ml ये ऑयल बचेगा। शीशी में पैक करके रख लो और तीनों जगहों पर, यानी तीनों हिस्सों पर, दोनों साइडों में और ऊपर, और हशफे को छोड़कर जो अगले का हिस्सा होता है ना, उसे छोड़कर उसे पकड़ के आगे को थोड़ा खींच के और पहले लेना है इसे, उसके बाद में आप पेनिस की जड़ से लेकर ऊपर मालिश करें। सेवन करने का वक्त जो है वो रात को ही आप सेवन करें, सोते समय। सुबह को गुनगुने पानी से आप धोलें, ठंडे पानी से आपको परहेज करना पड़ेगा। इसके फवाइद जो हैं वो पेनिस में किसी भी किस्म का दर्द होता हो, नसें कमज़ोर हो गई हो, ब्लॉक हो गई हो, छोटापन हो या पतलापन महसूस होता हो या इरेक्शन वगैरह नहीं आता हो, आपने हस्त मोतन हैंड प्रैक्टिस इतनी की है कि बस परेशान है, छोटापन हो गया है और दिल उजागर नहीं है, समझ गए, स्टेमिना वगैरह पैदा नहीं होती है पेनिस के अंदर, तो ये बनाए उपाय। और किसी की बातों पर आप ध्यान ना दें, अपने ज़िंदगी को अच्छा बनाए और गुनाहों से बिल्कुल आपको बचना पड़ेगा भाई। देखो, गुनाहों से बचेंगे तो आपकी ज़िंदगी हैप्पी एकदम बढ़िया रहेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अलहमद वखाने का ये उपाय बनाएं, यूज़ करें, उसके बाद में आप हमें बतलाएं कि हमें इतना फ़ायदा हुआ। जो हजरात बना सके तो बनाए, नहीं बना जा सके, जिन्हें मुश्किल हो या वैसे नहीं बना सकते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट करके इन दोनों नंबर पर हमसे बात करें, मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। मंगाना चाहें तो ये ऑयल जड़ी बूटियों का, इसके अलावा भी जड़ी बूटियों का हम ऑयल आपके पास बनाकर तैयार शुदा बेहतर से बेहतर ऑयल बनाकर भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।